मुल्क सीधे रास्ते पर चले, उसके लिए संविधान सुरक्षा समिति क्या कर रही है, कैसा रिस्पॉन्स है पब्लिक की तरफ से? सबसे पहले तो मैं, आपने एक बात कही कि हमने ये इंश्योर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया है कि हमारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वायलेंस ना करें। ये सरासर गलत बात है। प्रोटेस्टर्स हमारे कहीं भी किसी जगह पे भी वायलेंस नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अहम बात है जो समझनी चाहिए। जी, जी। हम ये इंश्योर करने के लिए एक प्रोग्राम, अपना जो संविधान सुरक्षा समिति है चंद्रशेखर आज़ाद साहब के कहने पर ये प्रोग्राम चालू किया है हमने, कि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो आरएसएस के एजेंट भीड़ में घुस के और हिंसा को स्टार्ट करते हैं, ऑर्केस्ट्रेट कराते हैं, और जो पुलिस के लोग हिंसा करते हैं हमारे इस पीसफुल आंदोलन को, क्योंकि बाबा साहब ने हमें कलम की ताकत सिखाई है, तलवार की ताकत नहीं सिखाई है, तो जो इस पीसफुल आंदोलन को साजिश करके इसको बदनाम करने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए वायलेंस कर रहे हैं, हम उन्हें पकड़ सकें और उसके हम ये इंश्योर कर सकें कि वो लोग शरारत करके भी वायलेंस ना कर पाएँ। तो उसके लिए हमने एक ऐलान किया था कि अब से सभी प्रोटेस्ट और सभी जलसे जुलूस जितने भी होंगे वो सब हाथ बांधते होंगे या तो रस्सियों से या फिर किसी मजबूत रबड़ बैंड से। पहला तो हमने ये किया। दूसरा, आपको मैं ये बताते हुए बताना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क से लोग हमारे इसमें संविधान सुरक्षा समिति में जुड़ रहे हैं। अलग अलग जो तंजीमें प्रोटेस्ट कर रही हैं वो हमारा वेबसाइट बन रहा है, काम हो रहा है, वेबसाइट बन के वो सब लोग उसमें शामिल होने की अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से, केरला से लेके और कश्मीर तक, और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट से सबसे बड़ा रिस्पॉन्स आया है और सब लोग वहाँ भी बड़े ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मीडिया जो है मेनस्ट्रीम मीडिया, वो अगर 100 जगह प्रोटेस्ट होते हैं तो वो एक दो जगह ही दिखा रही है। अभी भी पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट जारी हैं और हम एक बार फिर अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हाथ बांध के प्रोटेस्ट जारी रहने चाहिए जब तक के CAA और NRC और अब NPR भी सरकार विड्रॉ नहीं कर लेती और हमारी संविधान सुरक्षा समिति से पहले बैठ के बात करें। हम इनको सिखाएंगे, क्योंकि ये बात साफ हो चुकी है सरकार को, अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को और इनके सारे सलाहकारों को, ये इसका अगर वो कैसे इम्प्लीमेंट होना है और ये क्या कानून है वो ही इस बात को नहीं जानते हैं। तो हम लोगों ने इसका एक प्रैक्टिकल रास्ता जो है, जिससे किसी भी शहरी की, किसी भी भारतीय की से कोई भी चेकिंग होने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने एक ऐसा एकदम फुल प्रूफ तरीका निकाला है। हम इनको, सरकार को ये सिखा देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि पहले ये सब चीज़ें रद्द कर दी जाएँ टोटली, CAA भी और जो NRC है वो भी और NPR भी पूरी तरीके से रोक दी जाए। और हम ये अपील करते हैं कि कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार से इसमें सहयोग ना दे, ये गलत काम है, ये गलत गैरकानूनी काम हो रहा है और गैरकानूनी काम करने के लिए सरकार भी हमें बाध्य नहीं कर सकती।